नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। सो दोस्तों आज सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है इपका लैब। इपका लैब में आप लोगों को बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो एक राइजिंग अप ट्रेंड के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। लेट मी शो यू, आप यहां देख सकते हैं कि ये एक राइजिंग अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। सो उसके बाद यहां पर अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूं और आप लोगों को जूम करके दिखाता हूं, सो आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ इस पर हमने एक क्लोजिंग देखी। क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इस लेवल पे हुई, तो मैंने इस लेवल पे आप लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस बना दिया। ये ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं, अब आपको इस पे फोकस करना है, समझना है, क्योंकि अगर आप लोगों को टारगेट्स चाहिए तो टारगेट्स आप लोगों के लिए मैं एक मिनट की वीडियो भी बना सकता हूं, बट अगर ये वीडियो मैं 10 मिनट की बना रहा हूं तो इस पे कुछ एजुकेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा और अप्लाई करने की भी कोशिश करिएगा अपने मार्केट पर। आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर आपको अभी फोकस करना है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे जो एक क्लोजिंग मिली, क्या नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर क्लोजिंग मिली? आप देख सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे हम लोगों ने क्या देखा, उसके ऊपर गया, बट क्लोजिंग इस पर्टिकुलर क्लोजिंग वाली बॉडी के नीचे ही हमें देखने को मिली। नेक्स्ट टाइम भी हुआ, थर्ड टाइम भी हुआ, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स टाइम। सो प्रोबेबली क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ये इसकी बॉडी की क्लोजिंग है, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रही है। तो मतलब क्या है कि जब इसके ऊपर एक बॉडी क्लोजिंग होगी, सो वी कैन सी अ शार्प रैली इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, अब आप यहां देखिएगा कि ये एक फॉल आया, तो ये फॉल आया तो क्या ये फॉल इतना ही आना था कि और भी आ सकता है, वो भी हमें डिसाइड करना है। वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हम पास्ट की स्टडी करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, जब स्टॉक यहां ट्रेड कर रहा था तो ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, तो ये प्रीवियस स्विंग हाई का जब ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एक शार्प मूवमेंट आई, दोबारा नीचे आया और एग्जैक्ट इसी लेवल पे इसने क्या करा, रीटेस्ट करा, क्या करा, इसी लेवल पे इसने रीटेस्ट करा, एंड रीटेस्ट करने के बाद एक शार्प मूवमेंट हमें दोबारा देखने को मिली और एग्जैक्ट अपने उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है जिस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग हुई थी। ओके, अब आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की क्लोजिंग, एक यू शेप रिकवरी, एक राउंडिंग बॉटम, एक यू शेप रिकवरी, एंड इसके ऊपर जब ये निकलेगा 2370 के ऊपर, सो वी कैन सी अ शार्प रैली इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, ये अपने प्रीवियस हाइज तक भी जा सकता है जो कि ये लेवल्स हैं, ठीक है। सो यहां पर हम लोग एक बाय अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं, बट हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए मैं 15 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रहा हूं आप लोगों के लिए एक चीज दिखाने के लिए। ओके, थोड़ा सा पीछे आते हैं, ये लाइन को आपको समझना है, ठीक है, और थोड़ा सा पीछे आते हैं, या ये वाली जो आप देख रहे हैं ये तो ब्रेकआउट कैंडल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल बनी थी, उसके बाद से ट्रेडिंग अब स्टार्ट होती है नेक्स्ट कैंडल्स की। यहां से इस लाइन के ऊपर अभी तक क्लोजिंग देखने को मिली, 15 मिनट की भी क्लोजिंग नहीं देखने को मिली इधर, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, या सो हमें 15 मिनट की क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एक शार्प फॉल आई, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, दोबारा हमें एक 15 मिनट्स की ऊपर की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली, उसके बाद एक दोबारा शार्प फॉल आई। सो ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, अब तीसरी बार भी हम देख रहे हैं कि एक शार्प इसने क्लोजिंग ऊपर दी, उसके बाद एक शार्प फॉल आ गई। सो प्रोबेबली मैंने आपको ये 15 मिनट्स का कैंडल टाइम फ्रेम क्यों दिखाया, इसके पीछे का लॉजिक बस इतना सा है कि आपको आइडेंटिफाई स्टॉक की साइकोलॉजी को समझना है, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था। स्टॉक की साइकोलॉजी क्या बता रही है कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर 15 मिनट्स की एक कैंडल क्लोज होती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल से वो रिवर्स करना शुरू कर देता है। अगर ये 15 मिनट्स की दो कैंडल क्लोज हो जाती है ऐसे, तो या वी कैन गो फॉर अ बाय, बट एक कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी होती है, ये समझना जरूरी होता है, तब भी आप लोग अर्न कर पाओगे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के लिए आते हैं जो कि है बायोकॉन।
बायोकॉन पे अगर आप लोग देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको, या आप बायोकॉन में देखिएगा कि ये जो एक ब्लू कलर का आपको रेंज दिख रही है, इस रेंज को हम लोग कहते हैं डिमांड जोन। ठीक है, इस रेंज को हम लोग कहते हैं डिमांड जोन। आप देख सकते हैं डिमांड जोन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये एक डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन का मतलब क्या होता है कि अगर शेयर एक कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है और डिमांड जोन के अंदर आ जाता है, तो डिमांड जोन का मतलब क्या होता है कि यहां पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। जब भी डिमांड जोन पे आता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड बढ़ने लग जाती है, और डिमांड कैसे बढ़ती है, बायर्स के थ्रू। जब बायर्स के थ्रू डिमांड बढ़ती है तो वो बायर्स स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं। सो जब भी डिमांड जोन में आता है वहां पर एक्यूमुलेशन जोन होता है। आप देख सकते हैं यहां पर स्टॉक एक्यूमुलेट हुआ, जब एक ब्रेकआउट दिया, एक शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिली, दोबारा इधर आया, एक एक्यूमुलेट करा, एक शार्प रैली दोबारा देखने को मिली, एंड थर्ड टाइम भी आप देख सकते हैं इधर इसने यहां पर टेस्ट करा, थोड़े टाइम वेट करा, एंड दोबारा यहां पर एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। सो या वी कैन गो फॉर लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट एट नॉट दिस प्राइस। ट्रेड इट्स राइट नाउ ट्रेडिंग एट 410.5, बट वी हैव टू गो लॉन्ग अबव 413। व्हाई, लेट मी शो यू। ओके, सो आप यहां देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये आप देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है। मैं आपको ना एक दोबारा चैनल के थ्रू दिखाता हूं। अब मैं आप लोगों को सप्लाई जोन दिखाता हूं, लेट मी शो यू। या ये एक सप्लाई जोन है, मैं इसका थोड़ा सा अगर कलर चेंज करूंगा ना, सो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। या अब आप देखिएगा कि ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, जब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस बन गया। आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो भी बताया था, जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, तो ये रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। सो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कब आएगा, 413 के ऊपर। सो वहां पर हम लोग एक बाय अपॉर्चुनिटीज के अंदर इनिशिएट करके चल सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, हार्मोनिक पैटर्न। आप देखिएगा, एक मूवमेंट आई, एक रिट्रेसमेंट आया, एक और दोबारा मूवमेंट आई, एंड एग्जैक्ट इधर आके ये रिवर्स कर रहा है। सो ये एग्जैक्ट पॉइंट कैसे हमने आइडेंटिफाई करा, एक तो हमने देखा डिमांड जोन के अंदर एंटर करा, सेकंड इंपॉर्टेंट बात 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल से ये बाउंस कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग कहते हैं साइफर पैटर्न। ठीक है, सो यहां पर एक पैटर्न डेवलप हुआ है, और जहां पर बाय लेवल था वहां पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड अप वाला जोन भी था। सो वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक अबव 413। ओके, सो लेवल्स टारगेट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। प्लस गाइस, यहां पर एक यूट्यूब चैनल है, ये मेरे फ्रेंड का यूट्यूब चैनल है, इसने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा, एक गेमिंग चैनल है, आप जाके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चैनल पसंद आया तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर, और ये मेरा फ्रेंड है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर जाके भी अपना सपोर्ट दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो इसलिए मैं एक मिनट का टाइम लूँगा आपके साथ शेयर करने के लिए। गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक डिस्कॉर्ड का सर्वर कम्युनिटी चैनल है, तो वहाँ पर मल्टीपल पीपल्स ओवर 1400 पीपल्स ज्वाइन है वहाँ पर ऑलरेडी। वहाँ पर हमारी हर दिन डिस्कशन चलती है पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, हर स्टॉक्स की क्वेरीज वहाँ पर सॉल्व होती है, एक दूसरे से लोग डिस्कस करते हैं। एक जे फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेडर हैं, एक दूसरा ट्रेडर उस पर ज्वाइन है, तो आप लोग बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली अपनी वॉच लिस्ट शेयर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 स्टॉक्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसके अलावा भी मैं स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता हूँ कल की मार्केट के लिए, 3-4 स्टॉक्स एक्स्ट्रा जो होते हैं, तो वो भी मैं वहाँ पर डेली शेयर करता हूँ एक वीडियो फॉर्मेट के थ्रू, और वहाँ पर सारा कुछ एक्सप्लेन करा जाता है। तो गाइस जाइए, एक बार डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन हुई है, सारी क्वेरीज अगर आप मुझे टैग करेंगे तो वहां पर आपकी सॉल्व हो जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ओके गाइस, वहां पर अगर आप लोग कोर्स से रिलेटेड मेरे या सर्विस से रिलेटेड कोई भी चीजें चाहते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है अदानी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट स्टॉक है जो बाय करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हेयर, लेट मी शो यू। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ स्टॉक के अंदर। या सो आप देख सकते हैं कि एक इस लेवल से कंटिन्यूसली हमने एक शार्प फॉल देखी, उसके बाद एक रिकवरी आ गई। ठीक है, रिकवरी आने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक रेंज के अंदर आ गया।
सो इसका ब्रेकआउट हमें अभी तक देखने को नहीं मिल रहा, आप देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट। सो इसका जैसे ही ब्रेकआउट आएगा अबव 297 पे हम लोग एक बाय अपॉर्चुनिटी इसके अंदर इनिशिएट करके चल सकते हैं। एक राउंडिंग बॉटम प्लस एक हॉल्ट, एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है तो गुड है। और आप देख सकते हैं शार्प मूवमेंट के बाद भी ये थोड़े टाइम एक फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न है एंड उसका ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट दे चुका है, बट हमें वेट करना है क्योंकि हायर साइड में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, सो यहां पर हम बाय बनाएंगे अबव 297, ये लेवल्स भी हम आपको डिस्कॉर्ड में प्रोवाइड करवा देते हैं, सो प्लीज गो एंड ज्वाइन। नेक्स्ट स्टॉक आता है SRF, SRF भी मेरी आज वॉच लिस्ट में था, इसे मैंने कंटिन्यूसली वॉच करा है। अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, या अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था, ये देख सकते हैं एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था, उसका ब्रेकआउट आज दे चुका है, उसका ब्रेकआउट आज दे चुका है, बट वहां पर भी हम लोगों ने बाय के अंदर इनिशिएट नहीं करा बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, आप देख पा रहे हैं रेंज का ब्रेकआउट देता है बट क्लोजिंग नीचे को देखने को मिल जाती है। सो वी हैव टू वेट फॉर दिस ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट आएगा 4450 के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग एक बाय अपॉर्चुनिटी इनिशिएट कर सकते हैं एंड ये दोबारा 4480 या उसके हायर लेवल्स भी दिखा सकता है। सो इसको कल वॉच करके चलेगा, ये डेफिनेटली ऊपर अपसाइड के थ्रू जा सकता है अगर ब्रेकआउट देता है। लास्ट स्टॉक मैंने इसकी एनालिसिस आपके सामने कल ही कर दी थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप देख सकते थे आज थोड़ा सा वॉलेटाइल था क्योंकि रिजल्ट थे, बट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज के अंदर इनिशिएट करके चल सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर एक बाय है, लेवल्स आप लोगों को मैं बता दूंगा एंड प्लीज ज्वाइन डिस्कॉर्ड चैनल एंड यूट्यूब चैनल जो मेरे फ्रेंड का था उसको भी आप जाके वॉच कर सकते हैं। अब हम आते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे। सो निफ्टी को अगर मैं दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं ये एक शार्प रैली आई, उसके बाद एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, रेंज का ब्रेकआउट कल दे सकता है अराउंड 11,915 के ऊपर, 11,915 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आप 12,015 का टारगेट लेकर चल सकते हैं जो कि एक हायर साइड पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां से ब्रेकआउट देता है 5 मिनट्स 15 मिनट्स सस्टेन करता है तो वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग विद अ टारगेट ऑफ 12,015 एंड इसके ऊपर का टारगेट हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, वहां से एक रिवर्स कर सकता है। ओके, सो यहां पर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है, सेल के लिए अभी कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी अगर हम चेक करें, सो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं, या सो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रांग मूवमेंट के बाद, एक स्ट्रांग मूवमेंट के बाद यहां पर हॉल्ट कराएं, दोबारा अपसाइड पर जाके इसने क्लोजिंग दिया है। सो या वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, नीचे गया बट क्लोजिंग इसके ऊपर ही हमें देखने को मिली तो यहां पर हम लोग एक बाय के अंदर इस पर जा सकते हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, होप यू लाइक इट, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करिए हमारे इस वीडियो को, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए कि हम आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएँ। प्लस गाइस डोंट फॉरगेट टू चेक डिस्कॉर्ड आर सर्वर कम्युनिटी चैनल एंड दैट यूट्यूब चैनल। सो गाइज मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल अगली वीडियो पे, मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।